हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे YouTube की तरफ से एक गाइडलाइन स्ट्राइक मिली है। ठीक है, मुझे एक स्ट्राइक मिल चुका है। कल पहला स्ट्राइक मिला है ये मुझे, और जिसमें मेरे को बताया गया है, जिसका रीज़न कि मैंने टेक्नोलॉजी का जो मेजरमेंट्स होता है उसके साथ छेड़ाखानी की है। ठीक है, उसमें मैंने चेंजेस किए हैं जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन से बाहर हैं, वो सब हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, मैं ज़्यादातर वेबसाइट होस्टिंग अभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर वीडियोस देता हूँ। पहले मेरे ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर टॉपिक रहता था, अब मैंने चेंज कर दिया है। अभी मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियोस देता हूँ, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी दी थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्विकली फिक्स कैमटासिया 9 रिक्वायर्स विंडोज 7 सर्विस पैक 1 एरर। तो मैं इस वीडियो को आपको दोबारा चलाकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दोबारा से वही मेरे को स्ट्राइक आ सकता है इसके ऊपर। तो मेन बात यह है कि मैंने, हाँ, इसमें कुछ विंडोज़ की जो फाइल थी उसके अंदर मैंने जाकर चेंजेस किए थे, कुछ पैरामीटर्स मैंने चेंज किए थे, जिसकी वजह से कैमटासिया 9 जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया था विंडोज 7 के ऊपर। एक्चुअली विंडोज 7 के ऊपर कैमटासिया 9 जो है वो इंस्टॉल नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स विंडोज 7 के अंदर चेंज करने होते हैं। तो मेन बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस तरीके की वीडियोज़ बनाते हैं, आप में से जाहिर सी बात है कुछ यूट्यूबर्स तो होंगे जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, या कुछ सिर्फ डिसलाइक करने के लिए भी आते होंगे मेरे चैनल पे। तो वो यूट्यूबर्स भी जो डिसलाइक करने के लिए आते हैं, उनको भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने भी कोई इस तरीके की वीडियो बनाई है जिसमें आपने कुछ विंडोज़ में पैरामीटर्स में चेंजेस किए हैं, आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में या कुछ उसके पैरामीटर्स में मेजरमेंट्स में चेंजेस किए हैं, तो आपको ऐसी वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक आ सकता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन से बाहर है। इसको कहते हैं सीधे सीधे टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करना। ठीक है, तो ये जो है यूट्यूब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेन यहाँ पर होता क्या है, जब स्ट्राइक आता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 3 स्ट्राइक होते हैं। पहला स्ट्राइक मुझे आ चुका है। सेकंड स्ट्राइक पर यूट्यूब ने कहा है कि सेकंड स्ट्राइक पर मैं जो मेरी वीडियोस हैं वो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा न्यू, और जो मेरा मोनेटाइजेशन वगैरह है वो बंद हो जाएगा सेकंड स्ट्राइक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या होता है कि दो तरीके के स्ट्राइक आते हैं। तो कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट जाहिर सी बात है कोई अनदर चैनल आपको देता है। ठीक है, और एक होता है गाइडलाइन स्ट्राइक, जो यूट्यूब की टीम खुद से देती है। तो ये मेरे को यूट्यूब की टीम की तरफ से आया है, ये किसी चैनल ने मेरे को नहीं दिया है। ठीक है, कॉपीराइट नहीं है ये क्या है, ये है गाइडलाइन स्ट्राइक, मेरे को यूट्यूब चैनल की तरफ से आया, यानी कि चैनल वायलेशन, ये अनजाने में हुआ है। तो यूट्यूब की एक खास बात क्या है कि यूट्यूब हमेशा मौका देता है जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको, वो एकदम से चैनल बंद नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर 3 स्ट्राइक्स बनाए गए हैं इस तरीके से। अभी मेरे चैनल पे ना मोनेटाइजेशन बंद हुआ है, और अभी मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सिर्फ ये वीडियो जो है ये रिमूव किया गया है, और मेरे को एक वार्निंग दी गई है। नेक्स्ट स्ट्राइक में मेरा मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा, और जो है मैं न्यू वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा, और थर्ड स्ट्राइक में मेरा जो चैनल है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर से, यानी कि जितनी मेरी वीडियोज़ हैं वो सब हटा दी जाएंगे यूट्यूब से, और मेरा चैनल बिल्कुल डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये किसी भी यूट्यूबर के साथ हो सकता है। अभी यूट्यूब ने अपनी न्यू जो है पॉलिसीज अपडेट की हैं, और पॉलिसी वो ये अपडेट की हैं कि आपको यूट्यूब को बताना होगा कि आप किस तरीके का कंटेंट अपने चैनल के ऊपर बनाते हैं। आपके कंटेंट जो हैं वो बच्चों से रिलेटेड हैं, या बच्चों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, या दोनों से मिले जुले कंटेंट रहते हैं, उसको बच्चे भी देख सकते हैं और बड़े भी देख सकते हैं। तो आपको ये क्लियर करके यूट्यूब को बताना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बताते हैं यूट्यूब को, या आप गलत डिटेल देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका चैनल जो है वो हटा दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो अभी यूट्यूब का क्या है कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी बड़ा फाइन लगा है यूएसए के ऊपर इस चीज़ को लेके, तो यूट्यूब इसके ऊपर थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, और जो क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर अपनी, मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से गुस्सा गुस्सा निकाल रहा है, और वो सही निकाल रहा है एक तरीके से। एक जो क्रिएटर्स हैं इंडिया में, तो हालत बहुत ही बुरी है जिसको देखो। अब जब से जियो आया है ना, तो जियो ने तो समझ लो कि जियो आने के बाद तो हद हो गई है इंडिया में। मतलब अब तो ये होता है कि कोई कुछ भी बनाकर यूट्यूब के ऊपर डाल रहा है तब से। ठीक है ना, बीच में तो ये कंडीशन हो गई थी, आपको याद होगा कि एक 3 फन का नाग भी जो है वो ऊपर जा रहा था, ट्रेंडिंग में जा रहा था। इतनी कंडीशन गिर गई थी यूट्यूब की इंडिया के अंदर, यूट्यूब इंडिया में। तो इसलिए यूट्यूब इंडिया खासतौर पर जो है बहुत तेज़ी से अपनी जो पॉलिसीज हैं वो चेंज कर रहा है। तो जो न्यू यूजर्स हैं जिन्होंने अभी अभी कदम रखा है यूट्यूब के अंदर, तो अपने कैरियर के हिसाब से या जैसे भी, तो थोड़ा बच कर रहे हैं।
क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ी नॉर्मल सी वीडियो है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे को एक जो है वो स्ट्राइक आ चुका है, गाइडलाइन स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं लिखा हुआ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो ये बड़ा ही खतरनाक होता है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल चला गया, जाहिर सी बात है अगर चला गया होता तो ये वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, ज़्यादा नहीं खींचूँगा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको किस तरीके के कंटेंट बनाने हैं। देखिए, एक तो बिल्कुल भी आजकल मैंने देखा है कि YouTube के ऊपर जिसको देखो वो SQL इंजेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं खुलेआम। उन अब ऐसी वीडियोस में क्या होता है ना, आप जब इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको व्यूज़ तो बहुत तेज़ी से मिलते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है आपको सब्सक्राइबर भी बहुत तेज़ी से मिलते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो शैतानी बुद्धि के हैं, है ना, किसी को भी अच्छी चीज़ पसंद नहीं आती, सबको उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा या औरों को परेशान करना ही पसंद आता है। तो इस तरीके की चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि नेगेटिव थिंक वाली चीज़ें लोग अब भी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो आप इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आपको व्यूज़ तो बहुत तगड़े आएंगे, लेकिन मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि YouTube की गाइडलाइन से बाहर है। YouTube की जिस दिन आपके ऊपर टीम की नज़र पड़ गई उस दिन लात मार के YouTube बाहर निकाल देगा आपको, और आपकी जो आपने जो 6 महीने 7 महीने 1 साल 1.5 साल लगाया है वो सब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, सारा का सारा जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे कंटेंट बिल्कुल भी ना बनाएं जो आजकल दिखा रहे हैं, SQL इंजेक्शन कैसे लगाएं, और उसको नीचे लिख देते हैं एक बस डिस्क्लेमर कर देते हैं कि भाई ये हम इसको एजुकेशनल पर्पस से बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, नहीं वो सब भी यूट्यूब की गाइडलाइन से बाहर है। आप देख सकते हैं ना, ये मैंने एजुकेशनल पर्पस से बनाया था। ठीक है, मेरा जो कैटेगरी रहती है वो एजुकेशन रहती है, लेकिन आप देख रहे हो फिर भी मेरे को एक गाइडलाइन स्ट्राइक आई या नहीं आई। तो आप सोचो अगर आपने इस तरीके की वीडियोस बनाई हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आपने इस तरीके की वीडियोस बनाई हैं, YouTube एक्शन ले, उससे पहले आप ऐसी वीडियोस को अपने चैनल से रिमूव कर दें, हटा दें। ठीक है, इसके अलावा YouTube के अलावा एक चीज़ मेरे को भी ये सीखने को मिली कि YouTube के अलावा आप अनदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी एक्टिव रहें। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं जितनी मेरी YouTube की वीडियोज़ हैं उनको सेपरेटली अपने Facebook पर भी, Facebook पेज के ऊपर भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि 1% अगर भाई मैं ऐसे मान के चलता हूँ मेरी किस्मत ही ख़राब है और मेरा चैनल डिलीट हो जाता है तो आप लोगों से तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा ना मेरा। तो इसीलिए फिर आपको अगर मेरी न्यू वीडियोस देखनी है तो आप फिर आप मेरे को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, भी मेरा पेज बना हुआ, लेकिन उसको मैं कभी अपडेट नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें मैं अब करना शुरू कर दूंगा। तो आप मेरे को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, अगर 1% यहाँ से चैनल गया तो फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस कहाँ देखोगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही है, और ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, अगर आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप विंडोज़ में चेंजेस करते हैं, विंडोज़ की फाइल्स में चेंजेस करते हैं, जाकर रजिस्ट्री में जाकर एडिट वगैरह करते हैं, या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इस तरीके से जुगाड़बाजी बताते हैं, तो याद रखिएगा ये बहुत ही खतरनाक है। यूट्यूब के ऊपर आपका करियर कभी भी फिनिश हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। फिलहाल जो मेरे डिसलाइक करने वाले यूज़र्स हैं उनके लिए तो खुशखबरी है भाई। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।